हेलो दोस्तों, ये हमारा दुकान चैलेंज का 13वां दिन होने वाला है और आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। और आज की जैसे कल की मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आज बाहर का सामान दिखा दिया, आप कल की वीडियो में अंदर का सामान दिखाऊंगा, तो आज वो दिखाने वाले हैं। अंदर का सामान दिखाते हैं, उससे पहले बाहर का कुछ दिखा देते हैं आपको। ये देखो, बाहर हमारी बकरियां बैठी हुई है और बहुत तेज धूप पड़ रही है और बाहर बिल्कुल हरियाली छा रखी है। ये देखो, वो भी बहुत अच्छी। मैंने यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट कर दिया था, यहाँ तक का तो पूरा लुक दिखा दिया था आपको। अब अंदर चलते हैं, तो अंदर आते हैं उससे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सामान लगे हुए हैं। आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे देखो कितने सारे सामान टांग रखे हैं और ये नीचे भी कुछ सामान लगे हुए हैं और ये कुछ टोकरी में पड़े हुए कुछ सामान। ये देख लो, यहाँ पे हमारे पैसे इकट्ठे करने की टोकरी रखी हुई है, इसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं। और अभी अभी मैंने स्नेकर का डब्बा खाली किया था यहाँ पे। ये देखो, फ्रिज के अंदर से दिखाते हैं, देख सकते हो ये रखी हमारी स्नेकर चॉकलेट जो मैंने अभी खाली की थी, आधी तो यहाँ पे रखी है और ये आधी यहाँ पे रखी हुई है। देखो, पूरा भर दिया है मैंने इसको, जो इसके अंदर नहीं माए ना, जब जाएगा पे बर्थडे था इसलिए केक लाए थे, छोटा मोटा ऐसे बर्थडे मनाए थे इसके लिए। ये हमारी छाछ रखा हुआ है, हमारा बहुत सारा दूध, ये देखो अंदर तक रखा हुआ है। और यहाँ पे साइड में डिब्बा लगा रखा है, सारी कोल्ड ड्रिंक जमा रखी है। ये देखो, क्योंकि ठंडी करने के लिए रखी है हमने। मानिए देखो, ये रहा पूरे भरे हुए, इसके नीचे टॉस फैन वगैरह ये रखे हुए हैं, सारे सामान आप देख सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पर्ची, ठीक है भाई? तो यहाँ पे देख लो, मेरे हाथ में पर्ची है, तो इसके अंदर क्या क्या सामान मैं लेके आया था वो तो मैं पहले जमा चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें पढ़ के बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो मैंने खरीदा डिटॉल साबुन, 10 रुपए वाले 6 साबुन खरीदे। उसके बाद मैंने खरीदी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सही से समझ में नहीं आता, जो लिखते ना ये दुकानदार लोग जो सही से समझ में। और कुछ थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह खरीदी और कुछ एक कुरकुरे की लड़ी खरीदी थी हमने, इतना बस इतना सामान लिया था। यहाँ पे देखो 662 रुपए का बिल बना हुआ है, 662 रुपए का सामान। कल एक चीज दिखाना भूल गया था, यहाँ पे देखो हम पेंसिल भी बेचते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना स्लेट पे लिखते हैं वो पेंसिल, ये 5 रुपए का एक डिब्बा है, इसके अंदर बहुत सारी आती है पेंसिल। इसलिए एमआरपी तो वैसे 10 रुपए लिख रही है, देखो ये लिख रही है, लेकिन 5 रुपए का आता ही। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा सामान बता दिया है मैंने क्या क्या लिया और कितने का लिया। अब मैं कॉपी में नोट करता हूँ चीजें, वो आप देखना। ये हमारा दुकान चैलेंज का 13वां दिन है, तो यहाँ पे 13 लगा देते हैं। आज 5 तारीख हो चुकी है, गुरुवार हो चुका है आज। 330 का दूध छाछ आ गया हमारा, 60-60 रुपए लिखते आ रहे थे रेगुलर, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस होगा, हमने 80 रुपए का चार्जर खरीदा है आज। वो बकरी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, देखो यहाँ पे बैठा है इसलिए चिल्ला रहा है। आज हमारे 75 रुपए का घर में दूध खर्च हुआ और दुकान में से ही हमने 160 रुपए का केक खरीदा था। मैंने आज 2 दुकानों से सामान खरीदा अलग अलग जगह से, तो मैं पूरा सामान दिखा नहीं पाया आपको। तो 714 रुपए का टोटल सामान लिया मैंने और 900 रुपए में लेके गया था। और ये सामान है ना, ये तो दिन में जो दुकानदारी होती है ना उसका आ जाता है, ये तो हमारे घर खर्च। फाइनल दोस्तों, हमारा दुकान चैलेंज का 13वां दिन भी कंप्लीट हो चुका है और आज हमें दुकान चैलेंज का 30 डेज चैलेंज ले रखा है, उसका 13वां दिन भी कंप्लीट कर दिया है पूरा सक्सेसफुल। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट डे में, यानी 14वें दिन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।